हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए ओप्पो की तरफ से आने वाले ओप्पो रेनो 11 प्रो का रिव्यू करने वाला हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोबाइल के बैक साइड के कैमरा डिजाइन से पता चल जाता है कि ये ओप्पो सीरीज का है। खाओ माँ कसम। इसमें मुझे दो बातें बहुत पसंद आई, आपको आएगी कि नहीं पता नहीं। पहली जो बात है, ओप्पो रेनो 11 प्रो में हमें कर्व डिस्प्ले मिलती है। दूसरा जो है वो इसका प्रोसेसर, वो बहुत अच्छा है। इसमें मुझे बैटरी ज्यादा कम लगी, लेकिन आपको इसमें फास्ट चार्जर मिलता है। मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। आपका दिल खुश करने वाली बात है दोस्तों। आपको ओप्पो रेनो 11 प्रो में 3 कलर मिलते हैं, ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन। कुछ भी, ये बात मुझे अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ओप्पो रेनो 11 प्रो का रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बारे में। इसमें हमें 6.74 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले मिलती है, जो कि 1.5K रेजोल्यूशन वाली कट ओएलईडी डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का TSR और 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और सबसे जरूरी इसका प्रोसेसर है दोस्तों। इसमें स्नैपड्रैगन 8+ जेनोन आपको मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया प्रोसेसर है। आप इसमें फ्री फायर या पबजी जैसे गेम आराम से खेल सकते हैं। आपको एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नहीं नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। ओप्पो रेनो 11 प्रो की स्टोरेज की बात करते हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है वो 12GB 256GB है, और आपको इसमें 12GB प्लस 512GB वेरिएंट देखने को भी मिल जाता है। बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, लेकिन पहले कैमरा को देख लेते हैं। ओप्पो रेनो 11 प्रो के बैक में हमें 3 कैमरा मिलते हैं। पहला जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, दूसरा जो है वो सोनी का 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है, और तीसरा जो कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा हमें मिलता है। फ्रंट में देखेंगे तो 32 मेगापिक्सल का हमें पंच होल कैमरा मिल जाता है। अरे बाबा! अब बैटरी की बात करते हैं। आपको इसमें 4700 mAh की बैटरी मिलती है दोस्तों, और 80W का फास्ट चार्जर मिलता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसमें 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए थी या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये ओप्पो रेनो 11 प्रो कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता लाइक चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए।